हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम पोस्ट। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम अपनी 10th एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो तक 9th एनसीईआरटी कवर कर चुके थे, तो आज से हम 10th शुरू करेंगे। 10th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन एवं विकास। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, द सब्सटेंसेज अराउंड अस विच फुलफिल आर नीड्स बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि वो सभी हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। और वो ज़रूरतें भी कब पूरी होती हैं? जब हम यानी कि ह्यूमन बींग उन रिसोर्सेज को टेक्निकली डेवलप कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने यूज़ के लायक बना लेते हैं। तो यहाँ हम देखें सबसे मेन चीज़ जो हो गई, सबसे पहले तो ह्यूमन बींग यानी कि जो मानव है, मानव क्या कर रहा है, जो हमारी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, नेचर यानी कि प्रकृति में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी को यूज़ करके अपने यूज़ के लायक बना रहा है। तो यहीं पर हम देखें तो यहाँ पर एक और हमारे साथ आ जाता है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाएं, यानी कि अलग अलग संस्थान जो हैं वो इस क्षेत्र में, इस एरिया में काम करते हैं। तो वो क्या आ गया? इंस्टीट्यूशन यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है अपने चारों तरफ जो नेचर है उसमें उपलब्ध रिसोर्सेज, उनमें उपलब्ध चीज़ों को यूज़ करके, उनमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने यूज़ के लायक बना लेता है। तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? रिसोर्सेज। ये हम पहले अपने वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, रिसोर्सेज डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पीछे आसपास के जितने भी संसाधन हैं, जो चीज़ें हैं जो हमारे डिमांड्स को, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, और डिमांड्स को हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? रिसोर्सेज कहलाएंगे, संसाधन। तो आज इस वीडियो में हम अपने आगे के जो यानी कि जो इसके टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग बेसिस पर जो है हम संसाधनों को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे आसपास के रिसोर्सेज हैं इनको डिवाइड करने की, इनका जो क्लासिफिकेशन के जो वेरियस बेसिस हैं, अलग अलग आधार हैं, वो हम इस तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं। सबसे पहला हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, कि जितने भी जो रिसोर्सेज हैं कैसे उत्पन्न हुए हैं, मतलब वो जैविक हैं, अजैविक हैं, जिसे हम बायोटिक या अबायोटिक कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो बेस होगा हमारा डिवीज़न का वो होगा ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। जो दूसरा बेस होता है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि समाप्यता के आधार पर। समाप्यता यानी कि समाप्त होना, कितना रीन्यूएबल है या नॉन रीन्यूएबल है, उसके हम किस में, एग्जॉस्टिबिलिटी में यानी कि समाप्यता के बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे। फिर आगे जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यानी कि किसी का इंडिविजुअल है या कम्युनल है या गवर्नमेंट के अंडर है, पब्लिक है, तो ये सब कैटेगरीज किसके अंदर आ जाएंगी? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि अधिकार क्षेत्र या स्वामित्व के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास स्तर के आधार पर, कि जो भी रिसोर्सेज नोन हैं उनका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट का स्टेटस यानी कि क्या वो डिस्कवर हो चुके हैं, क्या वो डिस्कवर होने के बावजूद हो रहे हैं, क्या वो डिस्कवर होने के बाद यूज़ नहीं हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं तो किस लेवल तक यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारा जो क्लासिफिकेशन आएगा वो आएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो अलग अलग बेसिस हैं इनको हम दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि समाप्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास स्तर के आधार पर। अब ये जो चारों बेसिस हैं हम इनके अंदर आने वाली क्लासेस को एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम स्टडी करते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जिसे हम हिंदी में हम कहेंगे वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इन्हें दो क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड। मैनमेड कैसे होगा? वही जो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसके अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर लेते हैं। तो नेचुरल जो प्रकृति में हमें मिलते हैं, और ह्यूमन मेड यानी कि उसमें जो टेक्निकली चेंजेस करके ह्यूमन अपने यूज़ के लायक उनको बना लेता है। नेचुरल रिसोर्सेज को आगे फिर से हम दो क्लासेस में हम डिवाइड करेंगे, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, जिन्हें हिंदी में हम कहेंगे नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण यानी कि जिसको हम दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं, किसी और यूज़ में हम उसको ले सकते हैं।
तो रीन्यूएबल जो रिसोर्सेज आएंगे यानी कि नवीकरणीय योग्य जो रिसोर्सेज हैं उनको हम फिर से आगे दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। जो कंटिन्यूअस हैं इसमें आएंगे सतत या प्रवाह, जैसे वाटर की हम बात करें, एयर की हम बात करें, कंटिन्यूअस फ्लो में है, प्रवाह में है, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, तो इन रिसोर्सेज को यानी कि वाटर और एयर जैसे रिसोर्सेज को हम कंटिन्यूअस रिसोर्सेज के अंदर हम डालेंगे। और इसी तरीके से जो बायोलॉजिकल है यानी कि जैविक जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनके अंदर हम पढ़ते हैं पौधों को और वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को। वाइल्ड लाइफ नेचुरल वेजिटेशन जिसे हम वन कह सकते हैं और वाइल्ड लाइफ जिसे हम वन्य जीव कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल। और नॉन रीन्यूएबल यानी कि जिन्हें हम रीन्यू नहीं कर सकते, अनवीकरणीय जो संसाधन है उनको भी हम फिर से दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुनः चक्रीय, और नॉन रिसाइकलेबल यानी कि अचक्रीय। तो चक्रण मतलब हम उसकी फॉर्म को चेंज करके कोई और फॉर्म में मतलब उसको यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे रिसाइकलेबल का हमने मेटल कहा, जैसे मेटल की कोई भी चीज़ होगी हम उसको मेल्ट करके, हमने एक इसका यूज़ कर लिया, उसको मेल्ट करके हम क्या करेंगे उसकी शेप को रिफॉर्म कर लेंगे और किसी और यूज़ में हम इसको ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा रिसाइकलेबल। नॉन रिसाइकलेबल यानी कि जिसका पुनः चक्रण नहीं होता, दोबारा से हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, वो एक बार हमने यूज़ कर लिए वो ख़त्म हो गए। उसके अंदर आते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला की हम बात करें, लकड़ी की हम बात करें, तो ये सब क्या है, जब एक बार जल जाते हैं तो इनका आगे कोई यूज़ नहीं रहता, उनको रिसाइकिल हम नहीं कर सकते। ह्यूमन मेड की हम बात करें यानी कि जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होते हैं उनको हम स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी यानी कि उनकी गुणवत्ता में और उनकी मात्रा में सुधार करके किस तरीके से ह्यूमन बींग उनमें चेंजेस लाते हैं, तो वो सब आ जाएगा ह्यूमन मेड क्लासिफिकेशन के अंदर। तो ये सारा हमारा रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है, संसाधनों का वर्गीकरण है। तो आगे अब हम स्टडी करते हैं। अभी हमने जो बेसिस पढ़े थे क्लासिफिकेशन के, जो हम रिसोर्सेज को अलग अलग क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, किन बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं, उन बेसिस के आधार पर जो हमारे टाइप्स हैं रिसोर्सेज के, ये कुछ इस तरीके से हैं। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक यानी कि जो जैविक है और अबायोटिक यानी कि जो अजैविक हैं। तो जैविक के अंदर हम जानते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी किसके अंदर आएंगे, जैविक के अंदर। और इसी तरीके से अबायोटिक कंपोनेंट्स या रिसोर्सेज के अंदर क्या आएंगे, जिनमें जान नहीं है, अजैविक हैं, जैसे मेटल्स हम कहें, रॉक्स हम कहें, लैंड रिसोर्सेज हम बात करें, तो ये सब क्या आ जाएंगे हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, या अबायोटिक रिसोर्सेज हम कहें तो ज़्यादा सही होगा। एग्जॉस्टेबिलिटी यानी कि समाप्यता के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं, हमने इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया था, दो टाइप्स हमने पढ़े थे, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल यानी कि जिनका नवीकरण किया जा सकता है, यानी कि जो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, जैसे सोलर एनर्जी की हम बात करें, विंड एनर्जी की हम बात करें, टाइडल एनर्जी की हम बात करें, तो ये सारे रिसोर्सेज क्या हैं, कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते, रीन्यू होते जा रहे हैं। और इसी तरीके से नॉन रीन्यूएबल जो ख़त्म हो जाते हैं, एक बार यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और इनको बनने में हज़ारों लाखों सालों का समय लग जाता है। तो जैसे फॉसिल फ्यूल जो हम बात करते हैं, बार बार फ्यूल की हम बात करते हैं, ईंधन की। ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर हमने पढ़ा, जैसे पर्सनल व्यक्तिगत, जैसे मेरा घर, आपका घर, हमारा ये सेंटर, हर किसी का इंडिविजुअल जो ऑनरशिप रहेगी, हमारे खुद के अपने घर जो होंगे, शॉप होंगी, ये सब क्या आएंगे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यानी कि जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होंगी। कम्युनिटी जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कोई पार्क्स होते हैं, कोई वहाँ पे टेंपल्स होते हैं, कोई वहाँ पे रीजनल और प्लेसेस जो हैं रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, तो ये सब क्या आ जाएंगे, जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, कम्युनल एरियाज़ कहलाएंगे, रिसोर्सेज कहलाएंगे। पब्लिक यानी कि जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है वो रिसोर्सेज कहलाएंगे, जैसे हम हॉस्पिटल्स की बात करें, हम कुछ स्कूल्स की बात करें, ये सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब पब्लिक में भी क्या होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हम अपनी बाउंड्रीज़ की बात करें, तो बाउंड्रीज़ का हम देखें तो हमारे देश की बाउंड्री से बाहर का भी कुछ एरिया होता है जो हमारे देश के कंट्रोल में रहता है, किसी भी देश के कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे ओशंस हैं, हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पर भी जो हमारी बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं, तो उनके जो हम इसके मीटर की बात करें, हम इसके यूनिट की बात करें, तो ये होता है नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स तो जो हमारी समुद्री सीमा है, महासागरी सीमा है, यहाँ के जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें
तो 12.2 किलोमीटर होगा ये आई थिंक, तो आप इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा। तो 22.2 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो किसी भी नेशन के कंट्रोल में ही होता है, यानी कि उस एरिया तक का जो रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल होंगे वहाँ उसी देश का अधिकार होगा। तो ये आ गया हमारा नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसके बाद हम बात करें स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें हम अलग अलग कैटेगरीज हम डिवाइड करें। सबसे पहले पोटेंशियल यानी कि संभावी, यानी कि यहाँ पर रिसोर्सेज हो सकते हैं लेकिन अभी उनका यूज़ नहीं किया जा रहा। जैसे कोस्टल एरियाज़ हैं हमारे, हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ पे जो विंड एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं इनको हम बहुत अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी यहाँ पर नहीं कर सकते। इन फ्यूचर यहाँ पर संभावनाएँ हैं कि हम यहाँ पर जो है विंड रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। डेवलप्ड यानी कि विकसित, जो डेवलप हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ कर लिया है, उनकी क्वांटिटी और जो क्वालिटी है उस पर एक गवर्नमेंट का ठप्पा लग चुका है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो डेवलप्ड है वो। तो वो रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे हमारे, डेवलप्ड यानी कि विकसित संसाधन। रिजर्व यानी कि जो इन फ्यूचर हमारे लिए काम आ सकते हैं वो अभी हमने रिजर्व करके रखे हुए हैं, इन फ्यूचर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उनका यूज़ करेंगे। स्टॉक की हम बात करें, भंडार, अच्छा रिजर्व में यहाँ पर एक आपको देखना होगा कि जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पर अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया है, यानी कि वो अभी हमारे पास स्टोर्ड चीज़ें हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा स्टॉक यानी कि भंडार। भंडार और स्टॉक, स्टॉक और आपको रिजर्व में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टॉक का मतलब ये कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल तो हैं लेकिन हमें नॉलेज नहीं है कि हम किस तरीके से वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और अपने काम के लायक उसको बनाएं। तो रिजर्व तो हमें पता है कि यहाँ पर हैं और हमें इन फ्यूचर यूज़ करना है, और स्टॉक जो है लेकिन हमें नहीं पता, तो ये सब आ जाएगा भंडार के अंदर। तो ये सारा आ गया हमारा टाइप्स, यानी कि अलग अलग बेसिस पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कितने टाइप्स के हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिसोर्सेज। अब जितने भी रिसोर्सेज हैं हम सभी जानते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इनका नहीं है, तो इन्हीं रिसोर्सेज के यूज़ के लिए अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि संसाधन विकास से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं इनका डिप्लीट होना, इनका धीरे धीरे रिड्यूस हो जाना, ख़त्म हो जाना। दूसरा जो है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेशन क्या होता है, इकट्ठा होना। अगर हम इसकी मीनिंग टर्मिनोलॉजी की हम बात करें तो एक्यूमुलेशन कैसे होगा रिसोर्सेज का, तो देखिए जो संपन्न लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज, वो क्या करेंगे, अपना पैसा खर्च करके सारे रिसोर्सेज खुद अपने पास कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो संसाधन है दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे, एक तो वो जो संसाधन संपन्न है और एक वो जो संसाधनहीन है, यानी कि जो संसाधन है उनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा संसाधन संपन्न और संसाधनहीन के अंदर, रिसोर्स डेवलप्ड और रिसोर्स लेस के अंदर, डेवलपिंग के अंदर। तो अगर हम अगला देखें, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, अंधाधुंध हम इनका यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से हमें ज़रूरत लगती है वहीं से हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज निकालते चले जा रहे हैं, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का, यानी कि हमारी लैंड पर जो रिसोर्सेज है हर जगह एक जैसे इक्वल अमाउंट में नहीं है। तो इन सब कारणों से क्या है, हमें रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी टर्मिनोलॉजी मैं आपके साथ में नहीं लिख रही हूँ, आज थोड़ी सी समय की कमी है तो थोड़ा थोड़ा आप मैनेज कीजिए, एक दो दिन में हम फिर से रूटीन में आ जाएंगे, ब्रेक हमारा लंबा हो गया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप आज और कल के वीडियो में मैनेज करें। हिंदी टर्म मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप उनको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने देखा डिप्लीशन यानी कि रिसोर्सेज का जो है वो उनका स्तर गिरना, उनका एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज का दो भागों में बढ़ जाना संसाधन संपन्न और संसाधनहीन के अंदर, और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्यों, क्योंकि जो है रिसोर्सेज हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, हम इनका दोहन कर रहे हैं। अब रिमेडियल मेजर्स यानी कि हम इन समस्याओं से निपटारा कैसे कर सकते हैं, इन समस्याओं का हम इनसे कैसे निजात पा सकते हैं, तो सबसे पहला जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इन रिसोर्सेज का सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। भाई घर में कोई चीज़ आती है हमारी मदर क्या करती है, सबको बांट कर देती हैं तो लड़ाई ही नहीं होती, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, ना किसी के पास कम ना किसी के पास ज़्यादा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि वो हमारी आज की ज़रूरतों को भी पूरा करें और फ्यूचर के लिए भी हम इनको सेव कर पाएँ।
रियो डी जेनेरियो समिट 1992 के अंदर लगभग 100 देशों ने मिलकर जो रिसोर्सेज हैं इनके डिप्लीशन को रोकने के लिए एक कमेटी बिठाई, इन्होंने एक मीटिंग की जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो जगह पर की गई थी, इसी को रियो डी जेनेरियो समिट 1992 कहा गया। इसी में जो था एजेंडा 21 दिया गया, जिसके अंतर्गत पूरे वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल कोऑपरेशन जो हमने कहा, यानी कि पूरे संसार के सहयोग से ही, यानी कि अलग अलग देशों के सहयोग से ही जो हमारा एनवायरमेंटल डैमेज हुई है, हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है, जो गरीबी हमारे देश में सभी देशों में आई है और जो अलग अलग बीमारियां आई हैं, उनसे लड़ने के लिए एक एजेंडा बनाया गया इन सभी देशों ने मिलकर ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 के अंदर, 1992 के अंदर, इसी को एजेंडा 21 कहा गया। तो ये सारे क्या थे हमारे रिमीडियल मेजर्स, किन से बचने के लिए, किन से, जो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनसे फ्री होने के लिए, उनसे आज़ादी पाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए ये सारे हमने साथ जो है उपाय किए गए। अब हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे हम कर सकते हैं, इंडिया के अंदर जो रिसोर्स प्लानिंग की गई है वो किस तरीके से, क्या क्या स्टेप्स उसके लिए लिए गए हैं। भारत के अंदर अगर हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करें, यानी कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट से प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनसे ओवरकम होने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स की ज़रूरत है भारत के अंदर, तो हम सबसे पहले देखें तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें जिन इलाकों में संभावना है। हमने अभी पढ़े थे पोटेंशियल स्टॉक और रिजर्व्स, भंडार, ये सब जो हमने पढ़े थे अभी टाइप्स, तो हम क्या करें, जो हमारे छुपे हुए भंडार हैं उनको हम खोजें और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करें, इन्वेंशन करें रिसोर्सेज का। उसके बाद इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, अब ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज हमारे पास आ गए हैं, हमें पता लग गया है, उनके यूज़ की हम प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखें कि कहाँ इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उनका देखें। फिर हम देखें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंटेलेक्चुअल सेटअप, भाई हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, प्लानिंग भी है, लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने चैप्टर की शुरुआत में ही कहा कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन रिसोर्सेज को अपने यूज़ के लायक बनाता है। तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, प्लानिंग भी है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्स नहीं है, हमारे पास सेटअप नहीं है, तो हमारे लिए वो रिसोर्सेज वेस्ट हैं। तो हमें अब सेटअप की ज़रूरत है, एक इंटेलेक्चुअल सेटअप होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होने चाहिए, तभी हम उन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग की। अगर हम रिसोर्स कंजर्वेशन के फील्ड में वर्क की बात करें कि अब तक क्या क्या काम किए गए हैं, तो सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने जो है रिसोर्स कंजर्वेशन का मुद्दा उठाया था। इससे पहले महात्मा गांधी ने हमारे देश में जो रिसोर्सेज इनके लिए कहा था, देर इज़ इनफ फॉर फुलफिल द नीड्स बट नॉट फॉर द ग्रीड्स, यानी कि किसी की ज़रूरत पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत है, लेकिन इच्छाओं को, लालच को पूरा करने के लिए बिल्कुल ख़त्म है, यानी कि इतना नहीं है हम किसी के लालच को ख़त्म करना कर सके, लेकिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत है। तो 1968 में सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्स कंजर्वेशन जो टर्म है, मुद्दा है, उसको उठाया। इसके बाद 1974 में सुमैशर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम से बुक लिखी और जो गांधी जी की विचारधारा, जो अभी हमने कोट पढ़ा, स्टेटमेंट हमने पढ़ा, उसी को उन्होंने यहाँ पर यूज़ करके इस पूरी बुक के अंदर जो रिसोर्स कंजर्वेशन है उसके ऊपर बुक लिखी। इसके बाद 1987 में जो ब्रुकलिन कमीशन थी वो रिपोर्ट आई, यानी कि वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर कमीशन रिपोर्ट दी गई, जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इनको डिस्कस किया गया और कहा गया, एक बुक लिखी गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर कॉमन फ्यूचर, यानी कि जो सतत पोषणीय विकास है वो हम सबका भविष्य है, एक अकेले देश की समस्या नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू ही हम इन समस्याओं से निपट सकते हैं। तो ये हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन के फील्ड में होने वाले वर्क थे जो हमारी बुक में, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए लेकिन अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, तो इतना ही हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकूंगी, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल के वीडियो में करेंगे। तो जो मेन रिसोर्स है, अब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, लैंड एंड सॉयल, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट्स हो आप तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।